सर, जमीन सर्वे को लेकर तो किया जा रहा है, काफ़ी लोग जमीन में परेशानी हो रही, काफ़ी लंबे लंबे जाने लगे, बिचौलियाँ एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिव हुई तो इसमें आप लोगों का भी खर्च बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है, उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेष्ट है, सभी रेवेन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अब तक तो विपक्ष की तरफ से ही जमीन सर्वे पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवाल खड़ा शुरू होने लगा है। दरअसल बिहार में एनडीए के घटक दल में शामिल हम की तरफ से, यानी जीतन राम मांझी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया और कहा गया है कि जमीन सर्वे में गड़बड़ी हो रही है और ये गड़बड़ी बिचौलियों के वजह से हो रही है। भले ही उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को, उन्होंने मांग भी कर दी कि नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ये बिचौलिए बीच में आ कहाँ से जाते हैं, आखिरकार इतना हक इन्हें किसने दे दिया जिसके वजह से ये लोगों को, जनता को परेशान कर रहे हैं। तो देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के आए दिन बिहार सरकार की तरफ से, तमाम जो भी मंत्री हैं बिहार सरकार में उनकी तरफ से आए दिन बयान सामने आ रहे हैं। जमीन सर्वे को लेकर के जो भी र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो भी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उस पर जो उसे रोकने की कोशिश बिहार सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन लगातार जमीन सर्वे पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अब जीतन राम मांझी ने खुद इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सर, जमीन सर्वे को लेकर तो किया जा रहा है, काफ़ी लोग जमीन में परेशानी हो रही, काफ़ी लंबे लंबे जाने लगे, बिचौलियाँ एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिव हुई तो इसमें आप लोगों का भी खर्च बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है, उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेष्ट है, सभी रेवेन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप से शॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं या पदाधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूएन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए पीएम मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा। अब देखिए, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएँ होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, जहाँ कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहाँ भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में वो लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं? कहने का मतलब है, घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएँ घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं, इसलिए ये कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है, इसके लिए वहाँ ज़्यादा उधर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार